मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल गौर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे खासे सरदर्द बन गए हैं। जी हां, आए दिन वे बयानबाजी करते रहते हैं और गौर द्वारा पिछले दिनों तो यह तक कह दिया गया कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा उन्हें भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है और वे इस ऑफर पर विचार भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर लगातार बाबूलाल गौर के बयानों से परेशान हाईकमान द्वारा अब उनकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या बाबूलाल गौर अब भाजपा में रहेंगे या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बाबूलाल गौर द्वारा पिछले दिनों बयानबाजी करके अपनी बहू कृष्णा गौर के लिए टिकट की मांग की गई थी और उनकी बहू को टिकट मिला और वे जीती भी, लेकिन अब लगातार बाबूलाल गौर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।